ये कहानी है एक ऐसे अंग्रेज की जो गंजा ही पैदा हुआ था। आईब्रोज को छोड़कर इस इंसान के कहीं भी बाल नहीं थे। जी हाँ, ये कहानी है जॉनी सिंह की। बचपन में बहुत पतला और गंजा होने की वजह से कोई भी लड़की जॉनी को घास नहीं डालती थी, पर जॉनी कहते थे हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी हैं जो हम घास खाएंगे। धीरे धीरे जॉनी स्कूल में फेमस होने लगे और लड़कियां भी उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। कुछ तो बात थी हमारे जॉनी भाई में जो उनको दूसरों से अलग करती थी। इस बात से स्कूल के सारे लड़के जॉनी से चिढ़ने लगे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स भी जॉनी को पसंद करने लगी थी। कुछ समय बाद स्कूल में रेगुलर मेडिकल चेकअप हुआ। वो रेगुलर चेकअप जॉनी सिंह के जिंदगी में तूफान लाने वाला था। मेडिकल चेकअप में स्कूल की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गईं। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिला था। सभी महिलाओं को पता था कि ये गुप्त मतदान जॉनी भाई ने किया है, लेकिन कोई भी इस बात को एक दूसरे से नहीं बता रही थी। बट पता नहीं कैसे यह बात लीक हो गई और जॉनी भाई को बहुत ही यंग एज में स्कूल छोड़ना पड़ गया। यहाँ से इनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर ली। उन्होंने बिल्कुल शुरू से शुरुआत की। उन्होंने पिज्जा डिलीवरी मैन की जॉब से स्टार्ट किया और साथ ही इतनी पढ़ाई की कि जिस स्कूल से उन्हें निकलना पड़ा था उसी स्कूल में एज ए फुल टाइम टीचर जा लगे। बट उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उनका टीचिंग से मन भर गया और उनके अंदर देश के प्रति कुछ करने की इच्छा जाग गई थी, तो वो अपने देश की सेवा करने में जा लगे। उन्होंने फायरमैन बन के लोगों को आग से बचाया। उनकी कला और साहस को देखते हुए उन्हें सरकार ने पुलिस वाला बना दिया, तो उन्होंने पुलिस वाला बन के न जाने कितनी लड़कियों को मुजरिमों से बचाया। उनके अद्भुत पराक्रम और साहस को देखते हुए उन्हें डिटेक्टिव भी बना दिया गया, तो हमारे जॉनी भैया ने इस फील्ड में भी लट गाड़ दिया। पर शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसी बीच उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो बीमार हो गए। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। ये उनकी लाइफ का बहुत दुखद फेस था। बट ही नेवर स्टॉप स्माइलिंग और उनके इसी प्रबल जीने की इच्छा के कारण उन्होंने 2 महीने के अंदर इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दे दी। उनकी इतनी तीव्र रिकवरी को देखकर मेडिकल साइंस भी हैरान रह गया, तो वो उसी हॉस्पिटल में एज ए फुल टाइम डॉक्टर काम करने लगे और लोगों की मदद करने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों का इलाज कैसे करोगे, आपके पास तो कोई डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है, तो उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जब उनका इलाज हो रहा था तो इलाज करवाते करवाते वह सब कुछ सीख गए। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कम ही जन्म लेते हैं। डॉक्टरी के साथ साथ उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बचपन से ही जॉनी को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, बट अर्ली एज में स्कूल छोड़ने के कारण उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई थी। तो इन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नासा ज्वाइन कर लिया और अपनी सीखने की लगन और निष्ठा से एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट भी बन गए, जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस इंसान ने दुनिया को बता दिया कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस व्यक्ति का संघर्ष न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देगा।